तो गाइज पेट्रोनेट LNG की फाइनेंशियल ईयर 2025 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोर्स में है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी की इनकम से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, EPS एंड एंडिंग में हम लोग इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13,592.84 करोड़ का इनकम जनरेट किया है और अगर ये मार्च 2024 की क्वार्टर एंड जून 2023 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13,946.8 करोड़ का एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11,801.04 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो पेट्रोनेट LNG ने जून 2024 की क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,113.89 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 12,954.77 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2023 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10,741.03 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1100.76 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 787.73 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2024 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 734.07 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में ही मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की EPS मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी की जो EPS की वैल्यू है वो बोथ बेसिक एंड डायलूटेड के लिए ही सेम है। तो जून 2024 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 7.37 की, मार्च 2024 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 5.1 की एंड जून 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 5.46 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो जून 2024 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है तो जून 2024 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 8.1%। मार्च 2024 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है 5.26% की एंड जून 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 6.67%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड कंपनी की EPS ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर ओवरऑल बात करें तो जून 2024 की क्वार्टर में पेट्रोनेट LNG ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम। इस एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे इस कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है, कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन जून 2024 की क्वार्टर। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है जून 2024 की क्वार्टर की वो ठीक ठाक की है। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आई वुड रेट इट अराउंड 8 और 8.5। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रोथ नेगेटिव में है एंड वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, बाकी कंपनी ने प्रॉफिट ही पोस्ट किया है। जो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से इंक्रीज हुआ है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है। सो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 8.5 इज फेयर एनफ फॉर दिस रिजल्ट, फॉर दिस काइंड ऑफ रिजल्ट। अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, बाकी मैंने बस यहाँ पे अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे